आपके संकल्प के साथ जुड़ने के लिए भगवान श्री राम की भूमि से अभिनंदन करने के लिए आपके लिए कहा। भाइयों बहनों, छियालीस से 1948 में नीलाम शाही के खिलाफ जो अभियान चलाया था, पटेल के नेतृत्व में आपके पूर्वजों को जो सफलता प्राप्त हुई थी, इसी का परिणाम है कि निजाम और उनके जो सरपंच थे उनके द्वारा इस हैदराबाद को पाकिस्तान में शामिल करने अस्तित्व बना करके इस देश के नागरिकों को यहाँ पर आने के लिए आवश्यकता पड़े, परमिट की आवश्यकता पड़े, सरकार की साजिश को यहाँ के नागरिकों ने और नौपुर सत्तर वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में एक आंदोलन प्रारंभ किया था, उसकी पानी है कि आप हम सब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ही वो राजनीतिक पार्टी है जो यहाँ पर शहीद हुए उन खजानियों का भव्य स्मारक बना करके इस नगर को एक बार फिर जो आज भी निगम साई के पश्चिम का अनुसार करके यहाँ के नागरिकों का शोषण कर रहे हैं, यहाँ के विकास को बाधित कर रहे हैं, यहाँ पर भ्रष्टाचार फैला करके यहाँ के आम जन की भावनाओं को रोकने का कार्य कर रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव को जवाब देने के लिए अब सबके पास परिवर्तन देखने को मिला है। ये परिवर्तन हर एक क्षेत्र में हम सबके सामने स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। याद करिए 1952 में कश्मीर में कुछ लोगों ने आर्टिकल 370 लागू करके शेष भारत के नागरिकों के लिए परमिट व्यवस्था लागू करने की चेष्टा की थी। के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ ने सुनवाई को लड़ा और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस सपने को साकार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। कश्मीर से भारत का सत्ता समाप्त करके हैदराबाद और तेलंगाना के नागरिकों को भी यह पूरी स्वतंत्रता दी कि आप भी जाकर के जम्मू कश्मीर में जाकर के अपने लिए आवाज और अपने लिए जमीन खरीद सके और आप भी वहां के नागरिक बनकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना का साकार कर सकते हैं।
गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना, भारतीय जनता पार्टी आप सबके बीच में इस
वोट देने के लिए यहां पर एक फिर से उन्हें फ्रीडम देना चाहते हैं, या फिर मित्र हम सबको तय करना होगा कि हैदराबाद को भाग्य नगर बना करके फिर से विकास की नई मैं जानता हूं यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ यहां की सरकार का रवैया कितना खराब है, कैसे वहां यहां पर एक तरफ जनता के हकों को लूट खसोट करने का कार्य कर रही है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीड़ा करने का कार्य की एमआईएम के बहकावे में आकर के करने का कार्य कर रही है। लेकिन हम सबको इसके खिलाफ आज आप सबके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए, आपके साथ जुड़ने के लिए मैं स्वयं भी मतदाता भाइयों बहनों लोग मुझसे पूछ रहे थे क्या हैदराबाद भाग्यनगर हो सकता है, मैंने कहा क्यों नहीं, भाग्य नगर क्यों नहीं हो सकता अगर यहां पर भाग्य नगर मित्रों कोई जाति मत और मजहबी व्यवस्था नहीं, ये सांप्रदायिक नाम भी नहीं, भाग्य नगर का मतलब समृद्धि का प्रतीक, यहां के विकास का प्रतीक और भाग्य नगर बनाने की, इसको समृद्धशाली बनाने की, यहाँ के नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं देने की, यहाँ के नागरिकों को विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने की प्रक्रिया का हिस्सा है भाग्य नगर बनाने की प्रक्रिया का एक कार्यक्रम, और उस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैंने आज यहाँ पर देखा गंगे परियोजना के माध्यम से उत्तर भारत में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर पर अविरल गंगा निर्मल गंगा के कार्य को सार्थक किया है। लेकिन भाइयों बहनों टीआरएस की सरकार उस नदी को और भी प्रदूषित कर दी है, उस नदी की अविरलता और निर्मलता इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि एमआईएम से जुड़े हुए लोगों ने वहां पर अवैध कब्जे करके यहां के नागरिकों को बाढ़ से पूरी तरह डुबोने की साजिश का हिस्सा बना करके कब्जा किया है और टीआरएस और एमआईएम की मित्रता यहां पर इस पवित्र नदी की अविरलता और निर्मलता में बाधक है। और इससे मैं कह सकता हूं ये जो नापाक गठबंधन यहाँ पर बना है, ये नापाक गठबंधन यहाँ के विकास को रुद्ध कर रहा है, जनता की बुनियादी सुविधाओं को लूट खसोट का जरिया बना रहा है। यहाँ पर हैदराबाद के बारे में जब चर्चाएं सामने आती हैं, यहाँ का प्रत्येक नागरिक परेशान है, व्यापारी परेशान है, किसी भी कार्य के लिए जिस तरीके से उन्हें पैसे की डिमांड होती है, विकास के कार्य में लूट खसोट। कल भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयप्रकाश नड्डा जी ने, जगत प्रकाश नड्डा जी ने आपके बीच आकर के यहाँ की जनता का आह्वान किया और कल देश के यशस्वी गृह मंत्री जी स्वयं यहाँ पर प्रहार करके एक बार फिर से आप सबका आह्वान करना चाहते हैं। ये भीड़ है भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल का फूल, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव का चुनाव राज्य की स्थापना के संकल्प को पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र है सबका साथ विकास, और सबका साथ और सबका विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से भाइयों बहनों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अच्छा प्रशासन दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के हवाले करिए और विकास तो दिल्ली के माध्यम से
सीधे आपके पार तक पहुंचाने का कार्य मोदी जी स्वयं कर देंगे। उसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप बात देख रहे होंगे, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना कालखंड में जनधन अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से पैसा देने का काम किया। एमआईएम को साथ लेकर के उनके द्वारा यहाँ की जनता को लूटने का जो कार्य हो रहा है, ये नहीं हो पाएगा। वो सबके ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन आता है और दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये पैसा डीबीटी के माध्यम से गरीबों के खाते में, चाहे वह आवास योजना का पैसा होगा, जनधन अकाउंट का पैसा होगा, किसी भी शासन की योजना का लाभ उन लोगों तक पहुंचाने का एक भारी कार्यक्रम आगे बढ़ सकता है। आज के अवसर पर जो उत्साह इस रोड शो कार्यक्रम में आप सबने दिखाया है, आप सबके प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी समर्थन देने की बात सबसे करते हुए मैं वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम।